इनको किसी को मालूम तो कुछ है नहीं, ये कहाँ समाएगा जाकर किसी को पता नहीं। और ये लिखा हुआ है कि प्रलय आएगी, फकीरों लिखा है कि महाप्रलय होगी। महाप्रलय को कहते हैं क्यामत, क्यामत आएगी, यहाँ कुछ नहीं रहेगा, न ये सूरज रहेगा, न ये आसमान रहेगा, न ये तारे रहेंगे, न चांद रहेगा, न ये जमीन रहेगी, न समुद्र रहेगा। कहते कुछ भी नहीं रहेगा, ये है उसमें। फकीरों ने कहा कि मतलब क्यामत आएगी, महाप्रलय होगी, उसमें ये कुछ नहीं रहेगा। तो स्वामी ये सब नाश होकर के कहां समाएगा, क्योंकि उसमें पार्वती भी चले जाएंगे और ब्रह्म भी चला जाएगा और ईश्वर भी जाएगा, जिसको घात कहते हैं खुदा, वो भी नाश हो जाएगा, और स्वर्ग और वैकुंठ वो भी नाश हो जाएंगे। ब्रह्मा विष्णु महादेव जो रहते हैं स्वर्ग वैकुंठ में, वो भी नाश, और यहाँ हम कोई नहीं रहेंगे, सब यहाँ कोई जमीन आसमान नहीं रहेगा, तो आप रहोगे कहाँ? जब रहने की जगह नहीं रहेगी तो आप रहोगे कैसे? नाश स्वामी आपको मतलब ये है कि ये तो कहीं है नहीं है। किताबों को देखते हैं तो किताबें तो रटी है, सब रटी हुई उनकी किताबें, किताबें होता है तो ये बिल्कुल चकित है, आश्चर्य बुद्धि काम नहीं करती। वो सब ये जब सुना उन्होंने तो आप वो प्रश्न कर रहे हैं, स्वामी ये बताइए कहाँ जाते हैं, बोलो। सोना नसी बोले का समानी मन भया नाश कहो का कहते हैं सुन, कहते हैं दसवें द्वार को पार ब्रह्म सुन है, कहते हैं जब पार ब्रह्म मुसलमानों के वो अल्लाह अगर वो नाश हो जाए सुन, तो वो कहां समाएगा, क्योंकि सुन की तो रचना बहुत है, ब्रह्म की रचना जो है वो बहुत है, ईश्वर की रचना, तो ये सब इतना सब मसाला ये नाश होकर के ये कहां जाके समा जाए। अब वो पूछ रहे तो सब उत्तर देंगे, उनको तो सब मालूम है, बोलो। दस हो तार नाश जो भैया तो ये सब मन माई समैया। अब ये दसों अवतार जो आपके जुड़े हुए दसों अवतार, ये जब नाश हो गए तो मन का जहाँ भंडार है सैदल कमल में, वहां जाकर के ये सब समा गए। सैदल कमल में मन का और बुद्धि का और चित्त का और अहंकार का ये वहाँ पूरा का पूरा भंडार है, तो वो तत्व चेतन है, उसमें जाकर के अपने अपने तत्व में समा गए, वहां पहुंच गए। बोलो। और सब जगत नाश जब होई तो सब मन के माई समो, जितना भी जगत जितने भी नाश होगा जो भी साफ सामान ये सब का सब मतलब ये मन का खेल, अगर मन नहीं रहेगा तो है कुछ, मन आया वहां से उतर करके वो खेल खेलना, और जब अपनी जगह पहुंच जाएगा अपने तत्व में तो वो चुप हो जाएगा। तो कहते हैं कि मन आया वो सैदल कमल से, ये वहां पहुंच जाए चुप हो जाएगा, तीनों लोकों का ये राजा हो जाएगा, और अभी एक बूंद रूप में आया है तो सबके गटों में बैठ करके आफत मचाएंगे। क्या ढूंढ रहा? आनंद कि हमको आनंद मिल जाए, हमको मीठा मिले, कहीं मीठा नहीं मिलता, कहीं आनंद नहीं मिलता, न देखने में न सुनने में। अब वो तो मन तो ये चाहता तो मन अपनी जगह पहुंच जाएगा, चुप हो जाएगा, ये वहां समाएगा, और दूसरा इसका कोई स्थान नहीं। बोलो। पार ब्रह्म और ज्योति समाना निराकार न सिखा समा। मान के सन्यास जी कहते हैं कि पार और ब्रह्म और ज्योति जब नाश हो गई तो ये स्वामी ये बताइए ये कहां जाए, ये कहां जाए? अरे भाई खुदा खुदाओं का खुदा वो भी नाश हो जाता है, ये कहां समाएंगे जाकर? ये इन सब का उत्तर हमको मिलना चाहिए। बोलो। ब्रह्मा विष्णु महादेव, ब्रह्मा विष्णु और महादेवा, नाश भये मन मत के देवा। अच्छा भाई, ब्रह्मा विष्णु महादेव भी नाश हो जाएंगे तो ये तो मतलब मन का मत है, ये भी सैदल कमल में जाकर के नाश वापस पहुंच जाएंगे, ले हो जाएंगे अपने अपने भंडार में,
बुद्धि अपने भंडार में, चित्त अपने भंडार में, मन अपने भंडार में, अहंकार अपने भंडार में, सब ले हो जाए सब के सब, तो खेल तो खत्म होने ही है। ये बात सत्य है कि प्रलय होती है, महाप्रलय होती है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और जो कुछ भी लिखा हुआ है वो कई बार महाप्रलय हो गई, कई बार प्रलय हो गई, ये सब होगा और आगे भी होगा, ये कहां समझ आता। अब पूछ रहे बोलो। मन को नास सुनो भूली भाई, मन नस गया निरंजन माही। अब वो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, देखो मानगिरी, जब ये मन का नाश होता है तो ये कहां पहुंच जाता है, निरंजन में समा जाता है, यानी सैदल कमल में जो ज्योतिर्स्वरूप है उसमें जाके समा जाता है। और ये जब उधर से सूरत आई है, जब जीवात्मा उतार के लाई गई तो इसी के साथ नीचे लगा दिया, मन लगा दिया, वहीं से चित्त लगा दिया, वहीं से बुद्धि लगा दी, वहीं से अहंकार, और ये सीधे चले आए। और जब तक अपने अपने भंडार में ये नहीं पहुंच जाते हैं तब तक इनको मतलब बोध नहीं होगा जो सच्चा विवेक है, तब तो इन पर काल में चढ़ी रहेंगे, यहाँ ढूंढते रहेंगे, यहाँ ज्ञान ढूंढते रहेंगे, या आनंद ढूंढते रहेंगे, या सुंदरता ढूंढते रहेंगे, कुछ मिलेगा नहीं। तो मन का जब नाश होगा इन शरीरों से, तो यही मन फौरन पहुंच करके उस ज्योति स्वरूप में जाके समा जाएगा, वहां चला जाएगा, तो निरंजन है, गाढ़ है गाढ़, उसको खुदा कहते हैं, हिंदुओं का ईश्वर, मुसलमानों का खुदा, ईसाइयों का गाढ़, उसमें जाकर समा। नाश निरंजन ब्रह्म समाना, ब्रह्म जो नशा शब्द में। अब वो कहते हैं कि जब निरंजन भगवान का सैदल कमल में नाश हुआ, इनका जब खिंचाव हुआ, इनके शब्द जब बंद हुआ तो खिंचाव हुआ, तो ये ब्रह्म में जाकर समा गए। और ब्रह्म जो है वो शब्द में समाए, जो दसवें द्वाप का शब्द आ रहा उसमें जाकर के रहे हुए। अब वो मतलब ये है कि वो गुणा जो गुणातीत, जिसको कारण बीज कहते हैं, वो तो ब्रह्म में है, तो कारण बीज तो सब खत्म हो गया, सूक्ष्म बीज भी खत्म हो गया, लिंग भी खत्म हो गया, स्थूल भी खत्म हो गया, ये सब यानी धुआं बन जाएगा। पृथ्वी जो है क्या करेंगे, जब वो शब्द को बंद करेगा तो फौरन मतलब घुल करके ये पानी हो जाएगा सब, पूरे के पूरे सारे रूप में पानी पानी। और इस पानी को कौन सोखेगा, आदमी सोखेगा, जब देखेंगे नीचे जल के जीव हैं तो तड़प तड़प करके, तड़प तड़प करके सबके सब शरीर छोड़ छोड़ देंगे, पानी सूख जाएगा। जब पानी सूख जाएगा, अग्नि ने सोख लिया, तो अग्नि को कौन सोखेगा, वायु सोखेगा, और वायु को कौन सोखेगा, आकाश, वो अपने में मिला लेंगे, और आकाश को कौन सोखेगा, यानी कौन खींचेगा मिलाएगा, आद्या मार सकती, जो निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है वो सबको मिला के, क्यों कि इधर से उसका लोक बहुत बड़ा है, स्वर्ग और बैकुंठ के ऊपर में उसका लोक है, और स्वर्ग और बैकुंठ और ये लोग उसके लोक के सामने कुछ नहीं, इतना बड़ा लोक है, तो वो सबको अपने में मिला लेगी, और आद्या महाशक्ति को निरंजन भगवान अपने में मिला लेगी, और निरंजन को खींचा ब्रह्म ने तो वो अपने में मिला लिया, और दसवें द्वार में जो पार्वती में वो अपने शब्द में मिला करके समेट लेगी।